हम लोग तो मतलब आज पहली बार आए हैं, मतलब कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगा और पूरा दवा के खा रहे हैं। एकदम अपना लोगो है, देसी स्वाद, घर वाला स्वाद आपको हम यहाँ होटल में खिलाएंगे। सारा मसाला, सारा मतलब सब कुछ है, सारा अपना घर का है। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं राणा यादव और आपका स्वागत है मेरे जय का बिहार वाला यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज आपको लेकर आए ये बेगूसराय के काफ़ी बेहतरीन जगह पे। वैसे हम हैं अभी कहाँ पे, ये देखिए तेरी नाथ मंदिर है, ये चुन्नीलाल मेगा मार्ट वाला रोड है, यहीं पे है ये दर्जी गली, जिसके अंदर छुपा हुआ है हिडन जेम, जिसे खाने के लिए लोग लाइन लगा करके जाते हैं। तो चलिए हम भी यहाँ देखेंगे क्या सब खिलाते हैं, कैसे कैसे खिलाते हैं, और बहुत सारा आइटम यहाँ पे खाने को मिलता है। वैसे तो यहाँ पे जो है मटन काफ़ी फेमस है, ऐसे सुनने को मिला है, लेकिन कई सारा आइटम यहाँ पे खाने को मिलता है। तो चलिए हम भी देखते हैं ये चंपारण हांडी मटन हाउस में क्या सभी मिल रहा है, वो भी बेगूसराय में। तो इधर भैया लोग खा रहे हैं मटन और चावल। ये हांडी वाला मटन लिए हैं क्या? हाँ, हांडी वाला है। ये देखिए इसका जो रोगन है, रोगन देखने से पता लग जाता है कि ये हांडी वाला मटन है। तो ये खा लिए हैं। अच्छा, इसमें क्या है, दारू रू तो नहीं है? नहीं नहीं, कोको कोको है, थम्सअप का थम्सअप है। अच्छा, मतलब एकदम फुल एंजॉय ले रहे हैं। फुल एंजॉय ले रहे हैं हांडी मटन का। तो मटन यहाँ का कैसा होता है? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हम लोग तो मतलब आज पहली बार आए हैं, मतलब कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगा और पूरा दवा के खा रहे हैं। वैसे यहाँ पे जो है कई सारा आइटम खाने के लिए मिलता है, कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बन रहा है अभी चिकन कबाब, वो भी कोयले के आँच पे। इधर हांडी मटन जो है बन के एकदम रेडी हो गया है, और यहाँ का हांडी देखिए एकदम मीडियम साइज़ का हांडी है, बेहतरीन सा इसका डिज़ाइन भी है। तो ये देखिए यहाँ का जो ये स्टू मटन है काफ़ी फेमस है, ये देखिए देखने में क्या गजब का लग रहा है, एकदम पूरा के पूरा चमक रहा है। रोगन का बात कीजिए, ये देखिए रोगन कितना गजब का है, मतलब देखने के बाद हर किसी के मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा यहाँ का रोगन है, कलर है ये सभी। और पीस का बात करें तो ये देखिए ये आ गया कलेजी का पीस, और ये देखिए ये डाला गया इसमें, ये क्या है, ये है चर्बी, उसके बाद लार। ये देखिए ये मटन में जो डाला गया ये चुस्ता, चुस्ता की साइज देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मटन जो होगा सिर्फ 7 से 8 kg, यानी 10 kg के आसपास का ही मटन होगा, और जो कि खाने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। उसके बाद फ़ौरन का बात करें तो फ़ौरन गर्म मसाला का दिया गया, ये देखिए पत्ता डाला गया है, ये लर आ गया, ये देखिए लर मतलब पूरा छलक रहा है, ये देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा ग्रेवी है, बेहतरीन सा ये देखिए। और यहाँ पे जो है सारा पीस अवेलेबल होता है, एक मटन के अंदर जो होता है सारा पीस अवेलेबल होता है। ऐसे बहुत सारा पीस इसमें से निकल गया है, तो ये देखिए ये आ गया छोटा नली वाला, जो कि मेरा फेवरेट है ये पीस। उसके बाद ये देखिए एक और चुस्ता, यानी कि छोटा सा एक और चुस्ता, दो चुस्ता यानी दो मटन यहाँ पे बना हुआ था। अच्छा, ये देखिए चिकन क्या गजब का है, यानी कि हमको लगा था मटन ही यहाँ का गजब का है, लेकिन चिकन भी काफ़ी बेहतरीन है। वैसे कढ़ाई खाली होने वाला है, 2 बजा है अभी, खाने का टाइम ऑफ होने लगा है, लोग जो है यहाँ पे भीड़ लगा देते हैं 12-1 बजे बहुत ज़्यादा खाने के लिए। तो चिकन इस तरह को आपको मिलेगा, यहाँ देखिए चिकन का रोगन, और ये मटन से ज़्यादा गाढ़ा ग्रेवी इसका है, लेकिन मटन में जो रोगन है वो रोगन इसमें थोड़ा कम है, लेकिन दोनों का एकदम बेहतरीन सा रोगन है, ये देखिए। तो ये देखिए इधर जो है मसाला में मिला के मछली रखे हुए हैं, देखने में काफ़ी गजब का लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा मुंडा है, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन। तो इस यहाँ पे जो है मछली फ्राई मिलता है, यानी इसको फ्राई करके दिया जाएगा, और चिकन इधर मैरिनेट करके रखे हुए हैं। तो इसलिए चंपारण हांडी मटन हाउस के ओनर से बात करते हैं, वैसे बेगूसराय में हम हैं, और बेगूसराय के ये चंपारण हांडी मटन हाउस है क्या? है? तो यहाँ पे क्या क्या खिलाते हैं आप? यहाँ पे हमारा नॉनवेज का जितना भी आइटम है, हाँ। मटन हांडी, चिकन हांडी, मटन स्टू, चिकन स्टू, कबाब, मटन तास, चिकन तास, सारा आइटम मिलता है, मछली कबाब, मछली फ्राई, सारा आइटम मिलता है। कौन सी बात समझिए भैया, एक लाइन में आप मटन खा रहे हैं तो मटन का पैसा दे रहे हैं, चिकन खा रहे हैं तो चिकन का पैसा दे रहे हैं, मछली खा रहे हैं तो मछली का पैसा दे रहे हैं। उसका मटन आपको अच्छा खिलाएंगे और चिकन अच्छा नहीं खिलाएंगे, या मछली अच्छा नहीं खिलाएंगे, तो फिर आप दोबारा क्यों आइएगा हमारे पास? वो तो कोई भी नहीं, तो हमारा सारा आइटम यूनिक का यूनिक ही रहेगा, जैसा अपना लोगो है, देसी स्वाद ही हमारी पहचान, देसी स्वाद हमारी पहचान, ये हमारा लोगो है, एकदम अपना लोगो है, देसी स्वाद, घर वाला स्वाद आपको हम यहाँ होटल में खिलाएंगे। सारा मसाला, सारा मतलब सब कुछ है, सारा अपना घर का है। तो अभी ये बन रहा है क्या?
अभी ये हो गया, ये कबाब है, ये लेग कबाब हुआ। लेग कबाब जी 100 रुपए पीस एक लेग का पड़ता है, 200 का दो लेग है। दो लेग इसको पकने में कितना टाइम लगता है? इसको पकने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगता है। 25 से 30 मिनट जी सर। इससे पहले भी बना रहे थे? इससे पहले वो सिख कबाब था जो टेबल पे लगा हुआ है, लग गया वो प्लेट में जी। अब जैसे कस्टमर का डिमांड आया ये भी। ये हाँ, वो हमारे पास क्या है कि मछली कबाब और एक कड़ी, ये जब आप ऑर्डर दीजिएगा आपसे हम 20 मिनट का टाइम लेंगे, आपके सामने फ्रेश बना के देंगे। फ्रेश बना के देंगे, फ्रेश बना के देंगे। ये हमारा बोनलेस हो गया। बोनलेस हाँ, फिर बनना ये स्टार्ट होगा। ये अभी अब कस्टमर का ऑर्डर आएगा, टाइम लिया जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट में इसको आग पे सेक के बढ़िया रोस्ट करके कस्टमर के सामने परोसा जाएगा। ये आ गया आपका हांडी मटन। ये देखिए देखने में काफी बेहतरीन है, इसमें सारा पीस डालते हैं, सारा पीस गर्दन से लेके पिछला रान तक सारा पीस जाता है इसमें। एक एक पीस सारा पीस होता है, सारा। अच्छा, इसमें ये देखिए सांप वाला देखने में काफी बेहतरीन लग रहा है। ये लहसुन भी डालते हैं, खड़ा लहसुन। तो चलिए मेरे लिए जो है प्लेट लग चुका है और साथ में भैया भी खाने के लिए बैठे हैं। वैसे यहाँ का ये कस्टमर है और पूरा के पूरा ये देखिए मुंडा लेके बैठे हुए हैं। इसको फ्राई करके ग्रेवी में डाला गया है, देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। साथ में ये लिए हैं क्या, फिश फ्राई। फिश फ्राई तो हम खाएंगे, पहले हम भैया से यहाँ इसका स्वाद पूछेंगे। वैसे मुंडा जो आप खाते हैं इसका स्वाद कैसा होता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसे आपका ये लगता है कि फेवरेट है? हाँ, मछली ही मेरा फेवरेट भोजन है। फेवरेट है। तो चलिए हम भी टेस्ट करते हैं। तो चलिए हम लेते हैं ग्रेवी। ये देखिए इस तरह का ग्रेवी है पूरा एकदम सरसों का। ये तेल इसमें यूज किया गया है तो घर का, जैसे कि बताए हैं, तो इस हिसाब से बढ़िया होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम लेंगे इसके ऊपर ये ग्रेवी और तो खाएंगे। रोगन काफी ज्यादा है, अब क्या करेंगे तो मिलाएंगे। ओहो, ये देखिए कितना बढ़िया से ये मिल रहा है। तो आ गया ये चावल के साथ में मटन। काफी बेहतरीन लग रहा है खाने में। तो यहाँ का स्वाद जो है काफ़ी बेहतरीन है, मतलब एक सौंधापन आ रहा है, जबकि स्टू मटन है खाने में एकदम गजब का। और घी का स्वाद ऊपर से आ रहा है, गरम मसाला यूज़ किया गया है जो खारा, उसका एकदम खुल के स्वाद आ रहा है। तो ये देखिए एक बार फिर मिलाएंगे इसको और खाएंगे। उसमें जो ये प्याज है, देखिए कई प्याज जो है पूरा एकदम गल गया है, कुछ प्याज इस तरह का हो गया है। इसका जो है मीठापन खत्म हो गया है, फिर इसका स्वाद मीठापन खत्म होने के बाद जिस तरह से होता है हल्का हल्का सा मीठापन वो दे रहा है, जो कि खाने में एकदम बेहतरीन लग रहा है इस रोगन के साथ में। तो हम क्या करूँगा अब इस फिश को टेस्ट करेंगे। ये देखो फिश देखने में तो लग रहा है बढ़िया से पका होना चाहिए। जब बेगूसराय में अभी तक हम जितने भी जगह खाए मटन, सबसे यूनिक टेस्ट हमको यहाँ पे मिला है। ये लेंगे थोड़ा सा ग्रेवी और ये लेंगे मटन। और मटन को देखिए हम हल्का से इसको दबा रहे हैं तो यहाँ से ये टूट गया है। देखिए हल्का से दबाने के बाद ये टूट गया है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पका हुआ है। और ये देखिए पूरा पिंक पिंक है, एकदम ओरिजिनल मटन है ये। मतलब देखिए किस तरह से इसको पकाया गया है, एकदम पूरे गल चुका है। वैसे ये जो पीस होता है काफ़ी घिंचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इसको आप ऐसे दबा रहे हैं तो ये टूट जा रहा है। तो इतने अच्छे से इसको पकाया गया है और यहाँ पे जो है साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। वैसे ग्रेवी हमको काफ़ी गजब का लग रहा है, तो इसके ऊपर और ग्रेवी लेंगे। तो ये देखिए ये आ गया ग्रेवी, मटन और चावल। वाइन कंटेंट बहुत कम रहता है, काफ़ी बेहतरीन। तो चलिए जल्दी जल्दी हम इस प्लेट को ख़त्म करेंगे। वैसे तो ये पीस भी जो है एकदम हल्का से दाबने के बाद टूट सकता है, ऐसा ये देखने से लग रहा है। ये देखिए तो बेहतरीन है ये मटन। तो चलिए इस प्लेट को जल्दी जल्दी हम ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे मटन के साथ, अच्छे जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।